हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय'स लाइफ। आज हम लोग जा रहे हैं जमपुर बीच पे पार्टी करने के लिए। जमपुर बीच पे क्यों जा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो आपको पता चलता रहेगा। आज हम लोग संडे है तो पता है, संडे है तो फंडे है, इसलिए आज हम जा रहे हैं जमपुर बीच जो हमारे दमन में ही है। संडे को यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है और हम लोग आज बीच पे बैठेंगे, वहीं पे लंच भी करेंगे और संडे को फंडे करेंगे, ठीक है। आज हमारे साथ हमारे फैमिली, हमारे शेर लोग हैं हमारे साथ। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये मेरे बड़े पुत्र हैं मिस्टर आर्या एंड मिस्टर अभिजीत एंड मिस्टर अभिषेक, एंड माय बैक साइड इज माय वाइफ, ओके। तो आज हम फैमिली के साथ प्लानिंग है, थोड़ा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे अपने डेली के रूटीन से हट के। और आपको बता दें, जमपुर जाने के एक कारण और भी है हमारा, एक कारण हमारा दूसरा ये है कि आज मेरे एक एम्प्लॉय मिस्टर दुर्गेश सिंह, जिनका आज बर्थडे भी है, तो हम लोग उनका बर्थडे भी वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो संडे भी है और बर्थडे भी है और फंडे भी है, तो दोनों चीज़ हम लोग वहाँ पे आज इंजॉय करेंगे। आपको बता दें कि जमपुर बीच जो है दमन का बहुत ही अच्छा बीच है, हमारा दमन सिटी है, नीट एंड क्लीन। ये लेफ्ट साइड में होटल प्रेसिडेंसी लैंडमार्क है, ये दमन मेन सिटी है, इसको नानी दमन बोलते हैं। हमारा दमन दो पार्ट में है, एक मोटी दमन एक नानी दमन। नानी दमन में मेन सिटी जो है वो नानी दमन है एंड मोटी दमन में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज और रेसिडेंशियल एरिया है। और जमपुर बीच भी वहीं पर है, लाइट हाउस बीच है, फोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे दमन में हैं देखने के लिए। और दमन टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ बिजनेस पॉइंट भी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पे। कभी मौका मिलेगा किसी ब्लॉग में तो आपको हम वो इंडस्ट्री भी दिखाएंगे। अभी हम लोग मोटी दमन होते हुए, लाइट हाउस बीच होते हुए फोर्ट के साइड से हम लोग जाएंगे जम्पो। अभी हम पहुंच गए हैं, ये दमन का ब्रिज है जो बड़ी दमन, मोटी दमन और नानी दमन में छोटी दमन दोनों को जोड़ता है आपस में आने जाने के लिए, क्योंकि बीच में एक नदी है दमन गंगा, दमन गंगा नदी है ये। दमन गंगा नदी ये आती है काफ़ी दूर से, इधर दादरा नगर हवेली सिलवासा वगैरह से होते हुए डैम से निकली है, वहाँ से होते हुए आके यहाँ समंदर में मिल जाती है। आगे बड़ी दमन जिसको मोटी दमन बोलते हैं, दमन बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आज संडे है तो थोड़ा क्राउड भी होगा क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट है तो टूरिस्ट ज्यादा होंगे। ये देखिए सामने है फोर्ट, फोर्ट के सामने ये रखा है डेल्टा टैंक और ये पार्क है जहाँ पे लोग फोटोशूट और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये देखिए ये फोर्ट का वॉल है, इसके साइड से हम लोग बीच की तरफ जाएंगे समुद्र, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड सूरत और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, सूरत मुंबई की पब्लिक ज़्यादा आती है क्योंकि सूरत और मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई और गुजरात का सूरत जो है नियर बाई सिटी है, तो ये यहाँ पे वहाँ के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और बहुत सारी जगह से आते हैं, इंडस्ट्री होने की वजह से कॉरपोरेट लोग भी आते हैं। ये हम लोग के
ड्राइव, ये ड्राइव कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। ये अभी बहुत जल्द बनाया गया है, लगभग इन दो सालों में कंप्लीट हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं था। अब जा कर के बहुत अच्छा बना दिया गया है। और देखिए आगे ये जूस वाले भी हैं, और ये सारे जो स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, इनके सबसे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बीच पे सबसे बढ़िया फिश करी और चावल की रोटी मिलती है, तो चावल की रोटी और फिश करी हम लोग खाएंगे। कौन कौन खाएगा भाई, सब लोग? हाँ, यस। तो संडे आज फैमिली फंडे है। ये देखिए जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं सब आउट ऑफ दमन की दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज संडे है तो सैटरडे को लोग यहाँ आते हैं, सैटरडे नाइट यहाँ रुकते हैं, संडे चेकआउट करते हैं, फुल डे इंजॉय करते हैं। बीच फोर्ट जो इतने सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं, ये लोग वहाँ घूमते हैं, और वहाँ घूमने के बाद शाम तक लोग जिसको जाना है वो चले जाते हैं, जो भी नज़दीक के हैं, सूरत मुंबई। अंकल देख के चलो भाई, जमपुर बीच पे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आप लोग अगर आते हैं ग्रुप में या फैमिली के साथ आते हैं, तो आप फुल डे अपना टाइम निकाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आगे हमारे वीडियो में आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज चल रही है, जो कैमरे में कवर भी हो रहा है। देखिए लेफ्ट साइड पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इससे आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि दमन रियली बहुत नाइस प्लेस है। बड्डे बॉय ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उसका फोन भी आ गया है, वो हम लोग वेट कर रहे हैं। बस अभी हमें ढूंढना है पार्किंग। पार्किंग तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसे मिल जाती है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पार्किंग का कभी तकलीफ आता नहीं है। तो हम पहुंच चुके हैं जमपुर बीच, आप लोग देख रहे हैं हमें क्राउड, बसेस, कार्स, बहुत सारी यहाँ पे खड़ी हैं। हम लोग को टू व्हीलर से आना चाहिए था, लेकिन पार्किंग मिल जाए तो भैया मजा आ जाएगा, मिली तो लग रहा है कहीं ना कहीं तो मिलेगी। आज तो बहुत ही भीड़ है यार, अपने को भी ऐसे ही लगता है, इधर ही खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये लोग बैक से निकल जाएंगे कि नहीं निकलेंगे। अरे आगे रास्ता खाली है ना, खाली का है, मैं उतरता हूँ। आप लोग उतरो, पीछे कुछ है तो नहीं? नहीं कुछ उतरो, देखो तो फिर मैं पीछे इसके इन गाड़ियों के पीछे बैठे लगा था। बहुत सही, हमें एक पार्किंग मिल गया है, एक भाई अभी निकल रहे हैं, तो यहाँ पे पार्किंग स्पेस हमें मिल जाएगा। आगे देखो, थैंक गॉड मिल गई पार्किंग।
ये है जमपुर बीच। गाड़ी चेक कर लेते हैं, गाड़ी लॉक हुआ है कि नहीं प्रॉपर। तो गाड़ी लॉक हो गया है और ये जमपुर बीच। हम लोग जाएंगे 14 नंबर शॉप। ये हम आ गए 14 नंबर पे। 14 नंबर शॉप पे आ गए हैं, यहाँ हम पहले बैठे थे। अभी इनको पूछिए स्पेस कहाँ बैठेंगे हम लोग। पहले चेयर तो है, ये जो रेड पर भी है वो विदाउट खाली है, बाजू में दूसरे की होगी ना। ये सब काफ़ी भीड़ है यहाँ पे बीच। हम लोग आ गए हैं जमपुर बीच, आपको दिखाते हैं आज यहाँ का क्राउड। काफ़ी बड़ा बीच है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, ये देखिए भाई हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और किड्स टॉयज भी यहाँ पे मिलते हैं, पानी थोड़ा लो टाइड है इसलिए अंदर के साइड में है पानी, आप लोग देख सकते हैं। और ये क्राउड आप लोग देख सकते हैं, ये सारे शेक्स हैं जहाँ पे लोग बैठ के खाते पीते हैं। और आज थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं। और स्टार्टिंग है, ये देखिए ATV बाइक राइडिंग भी है, आप लोग ATV बाइक राइडिंग कर सकते हैं। अमित जो हमारे लास्ट ब्लॉग में हमारे साथ राइडिंग पे था, मीट टू अमित। हम लोग की पार्टी खत्म हो गई है, अभी हम लोग अब घर के लिए जाएंगे। हम लोगों ने खूब खाया, एंजॉय किया, बहुत मजा आया, सब ने खूब एंजॉय किया। अब हम लोग जाएंगे, हम लोग मिल पेड़ करेंगे और जाएंगे। इसके बाद हम लोग अब घर को जाएंगे। आई थिंक सो ये हमारा दोस्त है BS। टाइमिंग 4:15 बज गया है। ये देखिए हमारे दोनों बच्चे हैं, ये दोनों हमारे अच्छे लड़के हैं, ये दोनों अभी पार्टी हो गई है, अभी मस्ती कर रहे हैं। अब हम लोग घर जाएंगे। आप लोग के ये हमारे ये जो ब्लॉग आएगा, अपलोड आएगा, इसमें आप लोग को दिखेगा ऑलरेडी। तो अभी आप लोग आइए, इंजॉय कराते हैं मस्त एकदम, पूरा आप लोग को बीच का कवरेज दिखाते हैं। क्या ये लो टाइड है? दिस इज अ जमपुर बीच, तमंग जमपुर बीच, वेरी फेमस बीच। ये बहुत ही मशहूर बीच है, यहाँ आपको कैमल राइड मिलेगा, हॉर्स राइडिंग मिलेगा, फिर हॉर्स कॉर्ट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ हॉर्स कॉर्ट। ये हॉर्स कॉर्ट है आगे, ये गर्ल्स गर्ल्स राइडिंग हॉर्स, किड्स आर राइडिंग हॉर्स, वेरी फेमस बीच जयपुर बीच, हॉर्स कार्ट राइडिंग, ग्लाइडिंग, जस्ट वॉच इट, वेरी नाइस। डूइंग जीप कार, वेरी नाइस, देख सकते हैं हाउ द क्राउड। अगर आपको बोट राइडिंग करनी है, अंदर जाना है, जैसे मोटर बोट, स्पीड बोट, स्पीड बोट, ATV बाइक, जैसे हॉर्स राइडिंग, और ये कॉस्ट्यूम है, जैसे टिकट काउंटर ये टिकट काउंटर है जमपुर में, यहाँ पे आप टिकट लीजिए। वो आपको स्पीड बोटिंग करनी है, आप स्पीड बोटिंग कर सकते हैं मस्त। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो फुल डे एंजॉयमेंट है आपको,
एटीवी बाइक हॉर्स गेटिंग रेडी, ये तैयार हो रहे हैं राइडिंग के लिए। ये हम आपको दिखाते हैं, देखिए वाह वेरी नाइस आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोग दमन आइए, जौनपुर भी जी रखिए, दमन बहुत ही अच्छा नाइस प्लेस टूरिस्ट के लिए, आप फुल डे इन्जॉयमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा यार, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसी ओके, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में इस वीडियो के बाद। तो सो आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक और बेल आइकॉन घंटी दबाना मत भूलिएगा, तो हम आपके लिए इस तरह से नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। ओके